हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सुनील। स्टॉक मार्केट एडवांस कोर्स में आपका स्वागत है। ये एपिसोड नंबर 2 है। पहले एपिसोड में मैंने बात किया था कि आपको कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग को सीखने के लिए। इस वीडियो में हम कुछ स्ट्रेटजी पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने उस स्ट्रेटजी को बहुत ज़्यादा बैक टेस्टेड किया है, फ्रंट टेस्ट भी किया, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। आपको करना क्या है, मान लीजिए आप एक जॉब होल्डर हैं, जॉब करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बस मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ, तो उसको आप एक कॉपी और पेन लेके नोट डाउन कर सकते हैं। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को बात करने के बारे में कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको 15 से 20 मिनट दिन का देना पड़ेगा। मॉर्निंग में आपको 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक का आपको आधे घंटे से 20 मिनट का टाइम होना चाहिए। मैं कॉन्सेप्ट समझाने की आपकी आपको कोशिश करता हूं कि आपको एक्चुअल में करना क्या होगा। सबसे पहले आपको मैं जो पॉइंट बताने चल रहा हूं उस चीज को आपको देखना होगा। देखिए, सबसे पहले आपको कहां जाना होगा, मैं जो स्ट्रेटजी बता रहा हूं एक एक चीज को नोट डाउन करिए, नहीं आप इसको भूल भी सकते हैं। तो नोट डाउन करने के बाद इसको पहले आप थोड़ा सा बैक टेस्ट करिए। मैंने इसको बहुत ज्यादा बैक टेस्टेड किया, फ्रंट टेस्ट किया, बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप नोट डाउन कर लीजिए। जो इसका सेकेंड थर्ड पार्ट होने वाला है उसमें मैं आपको और ज्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है एनएससी की वेबसाइट पे। तो यहां पे आप लिखेंगे एनएससी, क्रोम पे जाएंगे, एनएससी की वेबसाइट nscindia.com पे आप यहां पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आएगा एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ लिमिटेड लाइव शेयर स्टॉक्स। यहां पे आप क्लिक करेंगे, आपको क्लिक करना है मार्केट डाटा पे और यहां पे ओपन करके क्लिक करना है, फिर दोबारा प्री ओपन मार्केट पे। आप यहां पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको देखना क्या क्या है मार्केट ओपन डाटा पे। मैं जो पॉइंट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं इसको आप ध्यान से चीजों को सुनिएगा। देखिए होता क्या है कि मार्केट ओपन होने से पहले जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, बड़े प्लेयर्स की जो पोजीशन होती है वो दिखने लगती है 9:07 या 9:08 पे आपको पोजीशन दिखनी है। तो 9:07 पे आपको करना क्या है, आपको एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, मार्केट डाटा पे क्लिक करना है, वहां से उसके बाद फिर प्री ओपन मार्केट पे क्लिक करने के बाद इस पर्टिकुलर जगह पे आएंगे। तो यहां पे आपको सिंपली दिखेगा कि यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे जहां पे सबसे ज्यादा क्वांटिटी यहां पे एक्टिव है उसी 3 स्टॉक को आपको सर्च करना है। मैं अभी चार्ट पे आपको बताऊंगा कि आपको एक्चुअल में करना क्या है, किस चीज पे आपको एक्शन लेना है। तो सबसे पहले आप पहले स्टॉक को किस तरीके से फिल्टर करेंगे वो पॉइंट आप समझ लीजिए। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि आपको एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, मार्केट डाटा पे क्लिक करना है, मार्केट डाटा पे क्लिक करने के बाद फिर प्री ओपन मार्केट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहां पे जो सबसे ज्यादा फाइनल क्वांटिटी में आप यहां देखेंगे और आपको कुछ भी नहीं देखना है, फाइनल क्वांटिटी में आप जब देखेंगे तो यहां पे आपको जो सबसे ज्यादा पहले और दूसरे 3 ही स्टॉक को आपको यहां पे आइडेंटिफाई करना है कि सबसे ज्यादा क्वांटिटी, और ये कितने बजे देखना है आपको 9:07-8 के बीच में ये डाटा आपको देखना है कि 3 स्टॉक्स यहां पे आपको मिल चुके हैं। जैसे यहाँ पे सबसे ऊपर आ जाता है टाटा स्टील, यहाँ पे देखेंगे तो 141,119 की क्वांटिटी है। यहाँ पे एनटीपीसी ये लैक्स में है, तो यहाँ पे एनटीपीसी में देखेंगे तो ये 97,001 ये भी लैक्स में है, और टीसीएस में 62,717 ये फाइनल 3 स्टॉक हमें मिलकर यहाँ पे मिलते हैं। मैं आपको कुछ डाटा दिखाने की कोशिश करता हूँ, मेरे पास कुछ स्क्रीन शॉट्स हैं, मैंने इसको लेके रखा है तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए। तो मैं आपको चलता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये जिस तारीख का है, मैं थोड़ा सा इसको बैक करता हूँ और फिर से यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले इस डाटा को देखिए, ये 13 तारीख का है, 13 मार्च का डाटा है, अभी ये लेटेस्ट का डाटा है, 13 मार्च का डाटा है। यहाँ पे मैंने स्टॉक को निकाला था टाटा स्टील, इंफोसिस, एचडीएफसी, 3 स्टॉक को निकालना। अब चार्ट पे बताऊंगा आपको एक्चुअल में करना क्या होगा, आपको वहां पे एक्शन ये लेना है कि आपको कुछ करना नहीं है। वहां पे जैसे ही 9:15 पे मार्केट ओपन होती है बस 5 मिनट की कैंडल का आपको वेट करना है। अगर देखिए जो ये पोजीशन बनी है, ये पोजीशन मुझे भी नहीं मालूम है किस साइड की बनी है, जो बड़े प्लेयर एफआईएस और डीआईएस जो पोजीशन यहाँ पे बनाए हुए हैं, एक्चुअली मुझे भी नहीं मालूम है कि ये किस साइड की पोजीशन है, ये सेल साइड की पोजीशन है
कि बाइंग साइड की पोजीशन, मैं आपको जो कंडीशन बताने वाला हूं उस कंडीशन को आप यहां पे देखिए। तो 13 मार्च को आपको देखेंगे, 13 मार्च को, तो 13 मार्च में सबसे ज्यादा हाई क्वांटिटी किसमें थी? टाटा स्टील में। तो टाटा स्टील में आपको क्या करना है, आपको जाना है चार्ट पे और यहाँ पे टाटा स्टील पे क्लिक करना। टाटा स्टील का मैंने यहाँ पे चार्ट लगाया, तो 13 तारीख पे चलते हैं। तो कौन सी है 13 तारीख, उसमें हम देखने की कोशिश करते हैं। तो ये 10 मार्च का है, ये 14 मार्च का है, अब हम 13 मार्च देख लेते हैं। तो ये पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न यहाँ पे 13 मार्च, आपको वहां पे करना क्या है, आपने वहां पे तीन स्टॉक्स निकाले। पहला टाटा स्टील, तो टाटा स्टील में आपको 5 मिनट के कैंडल के क्लोजिंग पे का वेट करना है, और कैंडल के क्लोजिंग के वेट करने के बाद अगर उसका लो ब्रेक होता है तो आपको सेल साइड का की पोजीशन बनानी है, अगर हाई ब्रेक होता है तो आपको बाइंग साइड की पोजीशन बनानी है। यहां पे देखेंगे तो आपको मैं आप जो ये डाटा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे आप इसमें टारगेट जो प्लान करेंगे, मैं एसएल, एंट्री, टारगेट तीनों चीजों को बताने बताने बताऊंगा, तो आप तीनों चीजों को यहां पे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए 5 मिनट की कैंडल यहां पे क्लोज हो जाती है इस पर्टिकुलर लेवल पे, आप देखेंगे तो ये 9:15 की कैंडल है, 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है। इस कैंडल को का आपको हाई मार करना है, इस कैंडल का आपको लो मार करना है। अगर ये कैंडल का हाई अब ब्रेक होता है तो आप बाय करेंगे, और ये कैंडल का आप लो ब्रेक होता है तो आप सेल करेंगे। बस इतना सारा कॉन्सेप्ट है, आप छोटी क्वांटिटी से इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आपको को लगेगा कि हाँ ये सेटअप चलता है, इससे आपको कुछ पैसे बन रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्वांटिटी बड़ी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने पहले एपिसोड में आपको बताया कि आप पहले एक छोटे अमाउंट से 5,000, 10,000, 3,000 जो भी अमाउंट आपके पास है उस अमाउंट से इसको फ्रंट टेस्ट करिए। मैं तो बैक टेस्ट किया हूँ, फ्रंट टेस्ट भी किया हूँ, लेकिन आप एक बार मेरे ऊपर रिलायबल ना होइए, मैं जो चीजें बता रहा हूँ क्या ये चीजें वर्क करती हैं कि नहीं करती हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली देखेंगे तो 9:15 की कैंडल क्लोज होती है, आपको कुछ करना नहीं है, आपको यहां पे इसका हाई मार्क करना है, इसका लो मार्क करना है। जैसे इसका लो ब्रेक होगा हम सेल साइड की पोजीशन बनाएंगे, और जो हम टारगेट इसमें रखेंगे वो 1:2 का टारगेट रखेंगे। थर्ड एपिसोड में मैं बताऊंगा कि कब आपको अपने एसएल को ट्रेल करना है, कितना प्रॉफिट आपको दिख रहा है अपने पीएनएल में, तो आपको वहां पे अपने अपने एसएल को वहां पे ट्रेल करना है, और भी कुछ एडवांस पॉइंट बताऊंगा मैं। तो थर्ड एपिसोड आप लोग जरूर से जरूर वॉच आउट करिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको मैं अगर पोजीशन लगाऊं शॉर्ट की, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको कितने का टारगेट एक्चुअल में मिला है। मैंने यहाँ पे हाई मार किया तो ये लो है, और इसका एसएल है, सॉरी इसको थोड़ा सा स्टैंड करते हैं, तो इसका एसएल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80 पैसे का है, और हमें टारगेट कितना रखना है 1:2 का। देखेंगे तो बहुत खूबसूरती के साथ यहां पे हमारे टारगेट को इसने रीच कर दिया है। यहां पे देखेंगे तो हमारा जो टारगेट एसएल था वो 80 पॉइंट का था, और हमारा टारगेट यहां पे 160 पॉइंट का था। तो बहुत खूबसूरती के साथ इसने हमारे टारगेट को हिट किया। अब चलिए हम आपको एक और डाटा दिखाते हैं तो चीजें आपको और क्लियर हो जाएगी। ये तो हो गई 13 तारीख की बात। अब यहाँ पे मेरे पास 14 तारीख का भी डाटा है, तो 14 तारीख पे आपको लेके चलता हूं। तो 14 तारीख में सबसे ज्यादा क्वांटिटी किस पे है, तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी एक्सिस बैंक में है। तो एक्सिस बैंक के चार्ट पे हम चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो 96,024 ये लाख में क्वांटिटी है। तो इस पे चलते हैं एक्सिस बैंक पे 14 तारीख में, तो देखते हैं कि एक्सिस बैंक में क्या व्यू निकल के आ रहा है। यहाँ पे चार्ट पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम तुरंत सर्च करेंगे एक्सिस बैंक। आपको कुछ करना नहीं है, आपको अपने कॉन्सेप्ट को यहाँ पे फॉलो करना है। अगर कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो आपको बाइंग साइड में जाना है, और लो ब्रेक होता है तो आपको सेल साइड में जाना है। तो अब एक्सिस बैंक में आ जाते हैं, और टारगेट आपको रखना है 1:2 का। मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी है कि आपको किस हिसाब से अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करना चाहिए, या कितनी क्वांटिटी आपको एक्चुअल में लेनी चाहिए। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम डिलीट करते हैं, और डिलीट करने के बाद हम 14 तारीख पे आ जाते हैं। 14 तारीख पे हम देखने की कोशिश करते हैं, ये 13 तारीख का ऑलमोस्ट चार्ट है, हम 14 तारीख के चार्ट पे चलते हैं। तो यहां पे ये 14 तारीख का ट्रेड है, यहां पे देखेंगे तो
ये 9:15 की कैंडल है, और इसका आप देखेंगे तो कैंडल ने पहले इसका लो ब्रेक किया और फिर पहले इसका हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक करने के बाद लो ब्रेक किया, तो इसमें जो ट्रेड हमारा बना था वो उसमें इसमें हमारा एसएल हिट हुआ था। अब चलिए एक में आपको प्रॉफिट दिखा कि एक में आपको 1:2 का प्रॉफिट मिला है और आपका एक में एसएल हिट हुआ है। अब चलिए बात कर लेते हैं एक इस पे एक और डाटा है, ये डाटा है 15 मार्च का। तो 15 मार्च में सबसे ज्यादा क्वांटिटी किस पे है, टाटा स्टील पे फिर से 1,38,335 की क्वांटिटी है। तो इसको चलिए हम फिर से टाटा स्टील पे ही देखते हैं कि टाटा स्टील पे क्या व्यू यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे हम चार्ट पे आ जाते हैं, फिर से हम टाटा स्टील को सर्च करते हैं। आपको मैंने बताया लॉजिक कहाँ से कैसे क्या चीजें आपको करना है, बस मार्केट 9:07 पे आपको जाना है मार्केट एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और वहां पे आपको सर्च करना है, मार्केट डाटा पे जाना है। मार्केट डाटा पे जाने के बाद आपको प्री ओपन मार्केट पे जाना है, जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी होगी 3 स्टॉक आपको फिल्टर करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसके अलावा आपको स्टॉक फाइंड नहीं करना है। तो यहाँ पे हम 15 तारीख पे आ जाते हैं टाटा स्टील में, ये 13 तारीख का ऑलमोस्ट चार्ट है, ये 14 का है और ये भी 14 का है। तो अब हम आ जाते हैं यहां पे 15 तारीख में। तो यहां पे इस पर्टिकुलर जगह पे यहां पे देखिए, तो ये हाई इस कैंडल का ब्रेक हुआ है और ब्रेक होने के बाद ये लो ही हमारा एसएल था। तो यहां पे 108 और ये यहां पे 107, तो ऑलमोस्ट ये जो हाई इसका लगा है वो 109 रुपया 15 पैसा का लगा। तो ऑलमोस्ट 1:1 से ज्यादा का टारगेट हमें यहां पे भी देखने को मिला है टाटा स्टील में। इस पर्टिकुलर जगह पे हाई ब्रेक हुआ है, देखेंगे तो एक खूबसूरत टारगेट इसमें भी देखने को मिला है। तो इस तरीके से आप चीजों को फॉलो कर सकते हैं। पहले देखिए, मेरे ऊपर इतना ज्यादा बिलीव करने की आपको जरूरत नहीं है। मैं क्या बता दूं, देखिए ब्लाइंडली किसी के ऊपर बिलीव नहीं किया जाता। मैं जो आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूं कि आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब करते हैं, आपको लेकिन 10 से 15 मिनट का टाइम मॉर्निंग में निकालना होगा। 9:07 पे आपको मार्केट में एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मार्केट डाटा पे क्लिक करना है, प्री ओपन मार्केट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको देखना है क्वांटिटी में कि सबसे ज्यादा क्वांटिटी किस स्टॉक्स में ट्रेड हो रही है। उस 3 स्टॉक को फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्टॉक को निकाल लेना है और चार्ट पे जाके आपको वेट करना है कि 5 मिनट की कैंडल का वेट करना है। रेड कैंडल बने, ग्रीन कैंडल बने, डजन मैटर। जब हाई ब्रेक होगा तो आपको बाय करना है, लो ब्रेक होगा तो आपको सेल करना है, उसी का हाई लो हमारा एसएल हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको पता चले, मैंने आपको बैक टेस्ट करके डाटा भी दिखाया कि यहाँ पे हमने 3 दिन का डाटा देखा, तो जिसमें 2 दिन हमारे टारगेट हिट हुए हैं, 1 दिन हमारा एसएल हिट हुआ है। तो आप इसको फ्रंट टेस्ट और बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे डाटा हैं, आप चाहो तो मैं उसको वीडियो में कमेंट करना तो मैं और भी दिखा सकता हूं। तो अब यहां पे हम आ जाते हैं, यहां पे देखेंगे तो अच्छा खासा यहां पे भी टारगेट देखने को मिला एक बार। अभी अभी 15 तारीख का, आप हम 17 तारीख के डाटा पे क्लिक करते हैं तो 17 तारीख में हमें क्या देखने को मिलता है, सॉरी 16 तारीख में हमें क्या देखने को मिलता है कि टाटा स्टील में भी एक अच्छी क्वांटिटी यहां पे फिर से 2,47,000 की यहां पे खड़ी हुई है। तो टाटा स्टील का आज फिर से हम 16 तारीख में देख लेते हैं। तो 16 तारीख में हमें क्या है, यहां पे 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है और क्लोज होने के बाद इस कैंडल का यहां पे देखेंगे तो लो ब्रेक हुआ है, लो ब्रेक हुआ है, तुरंत इमीडिएट हमारा ट्रेड यहां पे इनिशिएट हो जाएगा और हमारा जो एसएल होगा, वो उस कैंडल का हाई होगा। टारगेट हम इसमें 1:2 का रखेंगे और इसमें जो टारगेट ऑलमोस्ट मिला है 1:2 का नहीं मिला, लेकिन 1:1.5 का टारगेट यहां पे देखने को मिला है। उसके बाद प्राइस रिवर्स हो गई। तो 4 दिन का हमने डाटा देख लिया,
चार दिन में 3 दिन हमें ऑलमोस्ट प्रॉफिट मिला है अच्छे खासे, और एक दिन हमारा यहाँ पे एसएल हिट हुआ है। तो इस स्ट्रेटजी को आप अच्छे से बैक टेस्ट करिए, फ्रंट टेस्ट करिए, उसके बाद आपको कुछ रिजल्ट मिलता है तो आप यहाँ पे अपनी क्वांटिटी धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा। जो लोग स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इस स्ट्रेटजी से थोड़ा थोड़ा सीख के वो स्टॉक मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।